हम लोगों को उम्मीद तो थी कि फिल्म अच्छी जाएगी, फिल्म हिट होगी, लेकिन लोगों ने उम्मीद से ज़्यादा हमारी फिल्म को प्यार दिया और लाइक किया, और हमें हमारे लिए सरप्राइजिंग है कि लोगों ने इस सब्जेक्ट को लाइक किया। ऐसे सब्जेक्ट कंटिन्यू नहीं बनते हैं भोजपुरी में, कुछ अलग सब्जेक्ट था, कॉमेडी के साथ एक्शन ड्रामा फिल्म थी, तो लोगों ने पसंद किया है। इसका मतलब है कि लोगों को अलग तरह की फिल्में देखना चाहते हैं, और इस वजह से हमारी पूरी टीम खुश है, खासकर तो प्रोड्यूसर बहुत खुश। अब फिल्म करते वक्त बहुत हम लोग इंजॉय करते थे, साथ में मुकेश जी ने भी बहुत इंजॉय किया है, क्योंकि फिल्म बहुत दिल से बनाई गई है। एक्चुअली वो सिर्फ फिल्म है इस वजह से नहीं बनाया गया, उस फिल्म से हम लोग बहुत कनेक्ट थे, मैं भी कनेक्ट थी, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था वो, लाइक ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हैं। मुकेश जी भी बहुत दिल से, दुबे जी, सब ने बहुत दिल से मेहनत की फिल्म में, और वो मेहनत रंग लाई, इस वजह से हम सब बहुत ज़्यादा खुश। उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और दूसरे कि हमारे फिल्म में आप बोल सकते सुपर हिट हीरोइन है हमारे फिल्म में, और हमारे प्रोडक्शन हाउस को एक अच्छा वैल्यू मिला है, और अच्छा फिल्म बिजनेस किया, अच्छा मार्केटिंग हुआ, और दर्शकों के साथ साथ हमारे पूरे टीम को धन्यवाद करना चाहूँगा, पूरे इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री को भी, कि पिक्चर बहुत अच्छा मार्केट में आया और चौथे हफ्ते में भी एंट्री कर रहे हैं हम लोग, और बहुत ही अच्छा है, उसको धन्यवाद। मुकेश जी बहुत अच्छे प्रोड्यूसर के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने फिल्म एज ए प्रोड्यूसर समझ के, पैसा लगा रहा हूँ ये समझ के नहीं बनाई, उन्होंने बहुत उस पर मेहनत भी किया है, और दिल से वो अपने लिए मेहनत करते हैं कि मेरी फिल्म ऐसी होनी चाहिए, तो इस हिसाब से उन्होंने फिल्म बनाई है और सक्सेस भी रहे। और टोटली बिजनेस के मकसद से हम लोग ने फिल्म बनाया, और ये बिजनेस हमारे लिए काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल साबित हुआ है, और आई होप कि आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे, और भोजपुरी इंडस्ट्री में जो आने वाले टाइम में भोजपुरी इंडस्ट्री का और भी ग्रो मिले, और हम लोग का प्लानिंग चालू है नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैं क्या कहूँ, मतलब उम्मीद से ज़्यादा रास्ते से लोग वेट कर रहे होते थे, मतलब इतना हॉल का गेट भी फुल हो जाता था, गाड़ी जाने का भी जगह नहीं होता था, एक बार हम लोग हॉल में घुसे तो निकलेंगे कैसे ये सोचते थे, मतलब आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स। और सबसे अच्छी बात थी कि यंग लड़की जो है, यंगस्टर्स भी फिल्म देख रहे थे, फीमेल्स फिल्म देख रही थी, एक लैला तीन चला, बच्चे इंजॉय कर रहे थे, तो ये बहुत अच्छा लगा देख के। और ख़ुद हमने देखा वहाँ पे कि लोग कैसे सीटी बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, और मेरे प्रोड्यूसर्स और मेरे हीरो सिर्फ मुझे बचाने में लगे रहते थे। 400 का कैपेसिटी, वहाँ 800 लोग पिक्चर देख रहे हैं, अब इतनी गर्मी में खड़े होकर लोग पिक्चर देख रहे हैं, मतलब ये सब काफ़ी अच्छा लगा कि हमने अच्छा फिल्म बनाया और लोगों को प्यार मिला, मतलब एक लाइफ में मतलब बहुत अच्छा, सबको धन्यवाद, और बहुत ही अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स लिया, अच्छा पिक्चर हमने बनाया, उनको देखा और उसके लिए शुक्रिया, और आने वाले भले टाइम में हम लोग बहुत ही अच्छा, मतलब हम अपने एज ए हमने जो वादा किया है नैनो कार बाइक, वो भी हम बहुत जल्दी हम दर्शकों को देंगे इनाम के तौर पर, और सबको धन्यवाद।